हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ एंड वेलकम टू अर्जन डायरीज। एंड आज का व्लॉग बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है बिकॉज आज का व्लॉग पूरा ही बैग पैकिंग पे मैं करने वाली हूँ। ऐसे बहुत से व्लॉग्स हैं ऑलरेडी, बट मुझे स्पेशली मतलब लिस्ट मिली हुई थी क्या क्या रखना है आपको, अपने हॉस्पिटल बैग को कैसे रेडी करना है, डिलीवरी के बाद और डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं आपको। तो आज बेबी का बैग हम कैसे पैक कर रहे हैं तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि जो लिस्ट है वो मैं आपको नीचे भी शेयर कर दूंगी कमेंट सेक्शन पे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें तो मुझे मिल गई थी तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ा। मतलब हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको भी बेबीज हुए हैं, स्टिल एक अंदर रहता है ना कि यार कुछ तो लेना है, मतलब बेबी आने वाला है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती है, इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें होती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो ले लेते हैं। मतलब मैं तो स्टॉप ही नहीं कर पा रही हूँ खुद को कि जो भी देख रही हूँ फर्स्ट क्राई से, बेबी हग से, कहीं ना कहीं से, इवन ऑफलाइन कहीं हम जाते हैं तो शॉप पे जाके लगता है कि अरे ये ले लेते हैं ये ले लेते हैं, फिर खुद को बहुत रोकना पड़ता है कि नहीं नहीं रुक जाओ, जब हो जाएगा तब जेंडर भी समझ में आ जाएगा। तो अभी कितनी चीज़ें हम न्यूट्रल खरीदे, राइट। चलिए तो फर्स्ट जो है मैंने स्टार्ट किया था, जो मतलब मुझे मेरे फ्रेंड्स ने दिया था तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो ऐसे मतलब जो कपड़े हैं ये आप देख सकते हैं इस टाइप के, मतलब वनजी जो हैं ऐसे, इस टाइप के वनजी वगैरह, ये फुल वाला वनजी है। और अभी तो फ़िलहाल समझ में भी नहीं आता है कि ठंड लगने वाली है कि इतनी गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में कैसे होंगे। एक ये है हाफ वनजी है, आप देख पा रहे हैं कितना क्यूट है ना, एकदम छोटू सा। एक ऐसे मुझे ये बहुत ही क्यूट लगा, ऐसे गंजी टाइप में है और ये ब्लैक कलर का। मतलब मैं तो बस इमेजिन ही कर रही हूँ कि इसमें ये पहन के मतलब मेरा बेबी कैसा दिखेगा। ये तो मैंने आपको थोड़े से ही दिखाए हैं बट ऐसे काफ़ी सारे कपड़े हो गए। मतलब सो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ अपने सारे फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने भी मुझे बेबी के, अपने बेबीज़ के कपड़े और जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स थी वो मतलब उन्होंने मुझे दिया है अपने। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि स्टार्टिंग के कुछ दिनों में मतलब नए कपड़े नहीं पहनाते हैं। यस, तो मेरे पास बहुत अच्छा खासा कलेक्शन हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब वनजी तो मैंने आपको दिखाए, प्लस मैंने ऐसे फ्रंट ओपनिंग वाले जो हैं ऐसे कुछ ले लिए, ऐसे ये हाफ स्लीव्स है, ये भी हाफ स्लीव्स ही है, ठीक है। और ऐसे कुछ फुल स्लीव्स भी ले लिए बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मतलब कैसे कपड़े रखने चाहिए इस वेदर में खासकर। मतलब ठंड के टाइम पे होता है तो सबको पता होता है कि वूलन्स रखने हैं, थोड़े से फुल स्लीव्स या ऐसे थोड़े मोटे कपड़े रखने हैं, बेबी को ठंडी लग सकती है। बट अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ठंडी लगेगी गर्मी लगेगी होते टाइम। आप लोग अगर कुछ सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मतलब बताइए जिनका एक्सपीरियंस रहा है। प्लस ऐसा बोलते हैं कि मतलब बच्चों को अभी इनिशियली पैंट्स नहीं पहना सकते, उनकी स्किन मैच्योर नहीं हुई होती है। तो फिर भी मतलब मुझे पता नहीं है तो मैंने एक दो पैंट्स ऐसे रख लिए हैं कि बाई चांस अगर कुछ ज़रूरत लगे तो ऐसे फुल स्लीव्स के कुछ फ्रंट ओपनिंग वाले रख लिए। ये सेट मुझे बहुत क्यूट लगा था, स्पेशली इसका कलर इतना ब्राइट है। श्रीजन को भी ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है, स्पेशली येलो। तो मैं मतलब वीडियो बनाने के लिए आई थी तो भी उसने यही बोला मुझे कि प्लीज़ तुम वो येलो वाला ड्रेस पहन के बनाओ, मतलब उसको येलो कलर बहुत पसंद है, ब्राइट होता है काफ़ी। तो ऐसे मैंने रख लिए हैं। मैं आपको कपड़ों में ही पहले कपड़ों का स्टार्ट किया है तो मैं बता देती हूँ कि इतनी कलेक्शन, मतलब आप जो देख रहे हैं दिस इज़ जस्ट आई गेस 1/10 पार्ट जितना मैंने आपको दिखाया है हमारे कलेक्शन का। और भी मतलब है जो मैंने रखा हुआ है बट मेरा मन कहीं माना नहीं तो मैंने एक ये भी ख़रीदा है। ये देखिए कितना क्यूट है, एकदम इतना कलरफुल, एकदम रेनबोज के पूरे कलर्स हैं बहुत सारे। ये झबला है
तो ये मेरा एक नया है जो कि अभी वॉशिंग में जाने वाला है। ये सारी बाकी चीज़ें वॉश्ड हैं और ये वॉशिंग में जाने वाला है, तो इसको मैंने इधर अलग रखा है और इनको मैंने यहाँ अलग रख दिया है। तो यहाँ से ऐसे करके फिर इसको आप मतलब इधर से ऐसे टाई कर सकते हैं। ये तो बहुत ही क्यूट लगेगा, ये एकदम ही प्यारा सा। और ये एक वाइट, बच्चों पे वाइट भी बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी मैंने एक ले लिया है इन केस। और ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, एकदम प्योर कॉटन का, बिल्कुल ही मतलब बहुत ही आराम लगने वाला है अगर भी उसको गर्मी होती है तो। बट फिर भी इसके हाफ स्लीव्स वाले भी अवेलेबल थे, बट आई प्रेफर्ड कि मैं ये फुल स्लीव्स का ही ऑर्डर करूँ, तो मैंने ये किया। ये तो रही हमारे कपड़ों की चीज़ें। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट आता है वो है कि उनको कैप्स चाहिए होते हैं, मिटन्स एंड सॉक्स। तो ये मेरे लिस्ट में था तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी सारे छोटे छोटे ऐसे मिटन्स और सॉक्स के हैं। तो यहाँ एक भाभी रहती है, उन्होंने बताया कि ये बहुत छोटे होते हैं, खो जाते हैं, इनके पैर मिलते नहीं हैं, फिर बाद में इधर उधर हो जाते हैं, तो एक को दूसरे के अंदर डाल के रखो। तो दिस पॉइंट टू बी नोटेड। काफ़ी जो मॉम्स हैं उनको तो पता होगा, बट जो न्यू है जैसे मेरे जैसे लोग जिनको नहीं पता था, तो ये एक अच्छा टिप है। ये मिटन्स हैं छोटे छोटे से, क्योंकि बच्चों के नेल्स बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो उनको मतलब वो खुद को ही स्क्रैच कर लेते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हमको इनिशियली डर भी लगता है उनके नेल्स कट करने के लिए। सो मिटन्स आर द सेफेस्ट वन। ये एक मिटन्स और ये सॉक्स का आप देख सकते हैं पेयर है, इसके अंदर इसके जो पेयर हैं वो हैं ऑलरेडी। ये मुझे बेबी शार में गिफ्ट में मिला था जो कि मम्मी ने धो दिए हैं। सब कुछ पुराना पहना देंगे तो फिर मन भी तो नहीं मानेगा ना। तो ये कुछ क्यूट क्यूट चीज़ें हैं मेरे पास, ये रखी हुई हैं, ये हो गए। बट अभी मेरा मन तो माना नहीं, तो मैंने फिर एक ऑर्डर किया है, फर्स्ट ट्राई से ऑर्डर किया था ये मिटन्स। अगेन आई डोंट नो द जेंडर। मैं जब भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि नहीं मैं ब्लू लूँ कि पिंक लूँ, मतलब वो एक साइकोलॉजी है। मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बेबीज़ पे हर कलर अच्छे लगते हैं, बट स्टिल थोड़ा होता है ना, मेरा थोड़ा सा ज़्यादा टेंडेंसी है पिंक के टूवर्ड्स, मतलब हर चीज़ पिंक, मतलब बच्चों की चीज़ें क्यूट लगती हैं। तो मैं ना चाहते हुए भी पिंक में ही मेरा मन जाता है, बट स्टिल अगेन लाइक मैंने न्यूट्रल रहने की कोशिश किया है एंड आई हैव परचेज दिस। सी हाउ क्यूट मिटन्स आर दीज, और इसका प्रिंट आप देख ही पा रहे होंगे, इतना क्यूट है। वैसे ये जो है शूज़ हैं, ये नागरे जैसा शेप है इसका, इतना क्यूट लग रहा है। एंड इसके साथ एक कैप भी आया हुआ है, सो दिस इज़ दिस। ये बेबी हग का है, आप देख पा रहे हैं, अभी तक टैग भी नहीं हटाया बिकॉज मुझे आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाना था और पैकिंग अनपैकिंग सब करना था, सो दैट्स वाई मैंने ये टैग भी नहीं हटाया है, टू लेट यू ऑल नो। अगर आपको पसंद है आप भी फर्स्ट क्राई में जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने बेबी के लिए, सो दिस इज़ इट। अब कैप्स कई सारे हैं मेरे पास ऑलरेडी, मैं आपको दिखाती हूँ जो फ्रेंड्स लोगों ने दिए हैं। एक ये कैप है, ठीक है, इसमें देखिए बॉल बना हुआ है एकदम क्यूट सा। एक ये है कैप, ये कैप है, प्लस ये कैप है। एक्चुअली ये जिन्होंने दिए हैं ये उसका बेबी बॉय है, तो उस हिसाब से उसने ख़रीदे थे एंड दैट्स वाई ये थोड़े से बॉय वाले बेबी के हैं, बॉल्स बने हुए हैं। ये है एक, तो मैंने सोचा अभी बहुत सारे कैप्स हैं, सो लेट्स नॉट इन्वेस्ट एनीथिंग मोर जब तक जेंडर नहीं पता चल जाता है। जेंडर पता होने के बाद अगर मुझे बेबी गर्ल हुई, बेबी बॉय के लिए तो ऑलमोस्ट हैं, जो मुझे लगता है इनिशियल एक दो महीने तो आराम से चलने वाले हैं। बट अगर बेबी गर्ल होती है देन मैंने अपने कार्ट में मतलब शॉर्ट लिस्ट करके रखे हैं, उसमें ऐसे बटरफ्लाइज बने हुए हैं एंड पिंक कलर के हैं,
तो वो सारी चीज़ें मैं ऑर्डर करूँगी, बिकॉज बेबी गर्ल के लिए तो कुछ होगा नहीं उस टाइम इतना, तो उसके हिसाब से फिर मैं ऑर्डर करूँगी। तो एक और चीज़ जो मेरी एक फ्रेंड ने जो मुझे भेजे हैं अपनी बेटी के, मतलब वो आई एम टेलिंग यू, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ ऐसे शीट्स जो होते हैं, मतलब ये आप ऐसे बिछा के उनको सुला सकते हो, एंड इतने इतने अच्छे प्योर कॉटन के घर के सिले हुए हैं। उसका जब उसको जब बेबी होने वाली थी तो उसके घर से दिया था ये, एंड उसने मुझे दिया है। एंड हमारे फ्रेंड सर्कल में अभी सबका ही है कि हर किसी का ऐसे लाइन लगा हुआ है एक के बाद एक। अब नेक्स्ट जिसका भी होगा फिर मैं उनको ट्रांसफ़र करूँगी, तो इनको मैं बहुत अच्छे से रखने वाली हूँ सारी चीज़ें। ऐसे उसने काफ़ी सारे मुझे दिया अराउंड, आप ये समझ लीजिए कि उसने इस तरीके के, मतलब बेडशीट जो हमारे होते हैं पुराने और उसके सिले हुए हैं ये, और कम से कम कुछ नहीं तो उसने मुझे 8-10 दे दिए हैं ये। उसके अलावा भी मैं आपको दिखाती हूँ जो एक और फ्रेंड ने दिए हैं, वैसे पतले पतले ये वाले शीट्स दिए हैं, ये बेबी प्रिंट के ही हैं, ये शायद ऑनलाइन उसने लिए होंगे अपने बेबी के लिए। तो ये बहुत ही पतला और बहुत ही अच्छा है, मतलब गर्मी के लिए इट्स वेरी हेल्पफुल, वेरी एंड बहुत काम भी आते हैं। मेन तो बहुत काम आते हैं, क्योंकि जब इनिशियली बेबीज होते हैं तो वो बहुत सुसू करते हैं, बहुत सुसू करते हैं, ऐसा मैंने सुना है और बच्चों का देखा भी है। फिर ये है एक, ये मुझे बहुत क्यूट लगा, अगेन लाइक बेबी मीन्स कि मेरे दिमाग में तो बेबी का बस बेबी पिंक कलर ही ध्यान में आता है। सो आप देख सकते हैं, आई एम सो मच इन लव विद दिस। फिर मुझे पोल्का डॉट्स भी बहुत पसंद है, इतने कलरफुल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो ये हो गए, बिछाने के लिए भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। बिछाने का ही सेगमेंट चल रहा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने एक ये रैप भी लिया है, ये वाला रैप। अगेन आप देख सकते हैं कितना ब्राइट है, कितना फ्रेश कलर है, ये मैंने नया खरीदा है। दिस इज अगेन ये धोने में जाने वाला है, इसको वॉश करना है अच्छे से। एंड हमने एक बेबी का डिटर्जेंट भी लिया है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फिर साथ में मैंने ये बेबी का टॉवल लिया है, अगेन पिंक इन कलर। तो मतलब मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हूँ पिंक कलर लेने से, तो मैंने ले लिया। इसमें काफ़ी कलर्स थे अवेलेबल, लाइक ये वाइट एंड पिंक की जगह वाइट एंड ब्लू था, वाइट एंड ग्रे था, पता नहीं क्यों मेरा हाथ इसी में जा रहा था बार बार। एंड मैं सोच रही थी कि नहीं इसको वापस रख देती हूँ, ग्रे ले लेती हूँ, नहीं ब्राउन ले लेती हूँ, बट फिर अगेन एंड अगेन मतलब ऐसा हुआ कि मैं यही मुझे लेना था और मैंने यही लिया। मैंने बोला जाने दो, लड़का होगा तो भी मैं इसी नहला के इसी में उसको पोछने वाली, और लड़की होगी तो भी। एनी विच वेज दिस इज माई फेवरेट कलर, तो मैंने ले लिया। तो हमारा अभी नेक्स्ट सेगमेंट में हम जाते हैं, मेरा जो मतलब ट्रीटमेंट एंड सब कुछ चल रहा है वो क्लाउड 9 में चल रहा है। तो उधर पे मतलब वो लोग एक्चुअली बेबीज़ को ज़्यादातर सॉडल में रैप करते हैं, और भी जगह पर करते ही होंगे, आई डोंट नो मतलब अबाउट इट। काफ़ी बच्चों को मैंने नहीं भी देखा है सॉडल में रैप किए हुए, कम्प्लीटली मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट मेरे लिस्ट में है। एंड मेरी डॉक्टर ने बोला है कि यू हैव टू गेट सॉडल्स लाइक रैप योर बेबी, सो दैट इज़ वाई मैं सॉडल का आपको दिखाती हूँ। लाइक मैंने कुछ नए सॉडल्स लिए हैं, ये देखिए इसका 3 का पैक था, उसमें से एक मैंने ऐसे ही रोल कर दिया था, एक मैंने ये ओपन किया है। सो ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये आप देख सकते हैं 2 प्लाई का है, बट देन ये इतने ही सॉफ्ट हैं, ये अलग भी नहीं हो रहे, पता नहीं इन्होंने इसको कैसे सिला है या क्या है। मसलिन का है जो एकदम कैसे समझा सकती हूँ, साड़ी जो पुरानी साड़ी हो जाती है दादी लोगों की कॉटन की, एकदम वैसा जो कपड़ा होता है ना उसका है एकदम, मतलब आप ऐसे सी थ्रू कर सकते हैं अगर मैं इसे अगेंस्ट लाइट रखूँ तो। तो ये इतना बड़ा है, पूरा मेजरमेंट भी मेरे लिस्ट में दिया हुआ है, तो वैसे ही मतलब मैंने देखा स्पेसिफिकेशंस में भी था, तो मैंने ये लिया है अपने बेबी को रैप करने के लिए। तो ये 2 पोल्का डॉट्स वाले हैं, एंड देन अगेन मैंने ये एक लिया है जो कि स्टार बने हुए हैं इसमें। बेबीज़ पे ऐसे ही कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब स्टार हो गए, क्लाउड्स हो गया,
स्काई, रेनबो, है ना, तो ऐसी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, ऐसे प्रिंट्स। तो ये एक स्वॉडल हो गया है, ये तो हुआ जो ओपन स्वॉडल्स हैं जो आपको रैप करना पड़ता है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब मुझे ये भी रिकमेंडेशन आ रहा था तो आइडिया तो कुछ भी नहीं है क्या कंफर्टेबल होगा क्या नहीं होगा। सो आइए इसको अनपैक करते हैं। ये देखिए, ये एक बना बनाया स्वॉडल है, ये बहुत क्यूट लगा मुझे, मतलब आई मीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। मतलब ये ऐसा है, ये जो है ना आपको दिख रहा है, इसके अंदर बेबी को हम ऐसे डालेंगे, मतलब उसके पैर को ऐसे, इसके अंदर लेग्स रहेंगे, एंड ये जो है ये इधर पे उसका फेस रहेगा, एंड समहाउ ये ऐसा है कि ये ऐसे उसको इधर हाथ इधर अंदर रहेगा, ये ऐसे हो जाएगा, एंड अगेन इस साइड में जो है ये ऐसे करके उसको टाइट करके ऐसे करके ये हो जाएगा। सो समहाउ आपका बेबी इसके अंदर पूरा स्वॉडल में ऐसे रैप हो जाएगा। तो ये भी एक मैंने ले लिया है, ये दो का सेट आया था, मतलब दो का कॉम्बो पैक है, ये एक है एंड इसका नेक्स्ट प्रिंट ये वाला है। आपको ये प्रिंट्स मतलब कैसे लग रहा है, कैसे लगा है आप देख सकते हैं, अगर अच्छा लगा हो सो आई विल रिकमेंड। यू कैन ऑल्सो बाई इट फ्रॉम फर्स्ट क्राई, ये भी नए हैं, सो अगेन दिस विल गो फॉर वॉशिंग। जो फ्रेंड है उसने भी मुझे एक दिया है बेबी रैपिंग का, तो ये वॉश हो चुका है, ये बहुत ही फ्लफी सा है और अच्छा सा फोमी फोमी है, मतलब बेबीज को बहुत कम्फर्ट फील होगा। ये ऐसा है, ये कैप है, इसके अंदर बेबी का हेड रहेगा, बेबी का पैर इसके अंदर आ जाएगा, फिर इसको हाथ वगैरह सब बांध करके हम ऐसे करके इसको बांध सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ, ये इसमें बांधने के लिए भी उसको है, तो दिस इज़ हाउ बेबी विल गेट इनटू दिस। सो होता क्या है स्वॉडल का, जैसे मैंने पढ़ा है कि क्यों स्वॉडल में रखते हैं, सो द थिंग इज जब बेबी आता है उसका 9 मंथ तक, मतलब उसका जो पॉस्चर रहता है वो वैसा ही रहता है, मतलब बिल्कुल एकदम ऐसे करके रहता है वो, एंड उसमें से मतलब उसको 9 मंथ के बाद एकदम से धीरे एकदम से अगर हम उसके हाथ पैर ऐसे ओपन कर देंगे तो इट माइट गेट डिसकम्फर्ट फॉर द बेबी। सो दैट इज़ वाई ऐसे बोलते कि अगर स्वॉडल में हम उनको ऐसे रैप करके जैसे वो 9 मंथ तक रहते हैं वैसे ही अगर वो रहेंगे सो उनको बहुत कंफर्टेबल फील होता है, अच्छे से वो मतलब रहते हैं, ज़्यादा रोएंगे नहीं, आराम लगता है उनको। अब हम आते हैं नैपीज में। नाउ गाइस, नैपीज मेरे पास नहीं थे, ऑब्वियसली सबके ही नैपीज मतलब ख़राब ही हो जाते हैं, वो इतने यूज़ हो जाते हैं, वो इतना किसी का किसी को आई गेस इतना यूज़ करना भी नहीं चाहिए। दैट इज़ वाई मैंने ऑनलाइन चेक किया, आई गॉट 10 नैपीज का ऐसा सेट, तो मैंने ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, मम्मी ने बोला कि वो बना भी देंगी, मतलब साड़ी भी मम्मी लेके आई है बहुत सारे की, उसको काट काट के नैपीज बनाएंगी, बट स्टिल इन द सेफ साइड आई थॉट कि ये जो नैपीज है इनको हमें एक सेट तो ऑर्डर कर ही लेते, लगेगा तो फिर तो बनेगा ही, अभी आगे बहुत ही ज़रूरत होगा। ये देखिए इतने क्यूट प्रिंट्स हैं इनके, मतलब किसी में फ्लावर्स बने हैं, किसी में ये ऐसे प्रिंट्स हैं, इतने क्यूट हैं, ये फिश बना हुआ है, तो ये मैंने ऑर्डर किए हैं। अभी आई एम कंफ्यूज, अभी ये नैपीज के साथ मैंने ये भी ऑर्डर किया है, ये है पैम्पर्स का सेट, तो इसमें मतलब है कि रात को एटलीस्ट ये 0 साइज़ है, एंड मुझे मैंने कई सारे लोगों से मतलब डिस्कस किया एंड उन्होंने बोला कि जो पैंट स्टाइल डाइपर्स है वो अभी न्यूबॉर्न को नहीं यूज़ कराने के लिए, इट लीव्स मार्क्स ऑन देयर स्किन विच इज़ नॉट गुड बिकॉज उनकी स्किन अभी भी मैच्योर नहीं, इट टेक्स यूजली 2 मंथ्स फॉर बेबीज कि उनका जो स्किन है वो अच्छे से मच्योर हो। यहाँ पे लिखा है कि पैम्पर्स का टेप्ड डाइपर है, इन केस अगर मतलब रात को एक होता है ना एट अ स्ट्रेच थोड़ा अच्छे से बेबी सो पाए तो उसके लिए मतलब रात को या दिन में भी एटलीस्ट एक स्ट्रेच नींद अच्छे से होनी चाहिए, दैट इज वाई एल्स। उसके अलावा दिन में तो हम लोग भी मतलब जगे रहते हैं सब लोग, तो नैपीज हम चेंज कर ही सकते हैं उसके, तो ये नैपीज भी अभी मैं एक कंफ्यूजन में हूँ कि मतलब
जो एक रीयूजेबल एक आता है ना वाटर प्रूफ नैपीज भी आती है, लाइक मैंने सुपर बॉटम का देखा हुआ है एंड ऑनलाइन में काफी सारे ब्रांड्स है जो दे रहे हैं। आई एम बिट कंफ्यूज कि वो लेना चाहिए या नहीं, अगर आप में से कोई यूज किया है या कर रहा है या आपकी बेबी के लिए वर्कआउट हुआ है, सो जस्ट लेट मी नो कि कौन से ब्रांड का अच्छा है, कितना यूजफुल है, शुड आई बाय इट फॉर नाउ अभी न्यूबॉर्न के लिए, क्योंकि काफी लोगों ने बोला है मुझे कि अभी न्यूबॉर्न में मत लो, 2-3 महीने का होने दो एंड देन यू परचेज दोज रीयूजेबल वाले जो क्लॉथ के नैपीज आते हैं वाटर प्रूफ। तो आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए, अगर आप बोलते हैं कि न्यूबॉर्न को भी आता है और कितने नंबर्स में आप रखते हैं उनको, 2 या 3 या जैसा भी, तो मुझे बताइए, तो मैं फिर आई विल लुक इनटू इट एंड आई विल थिंक अबाउट इट। ठीक है, अब आता है मैंने अपने बेबीज के क्लोथ्स वॉश करने के लिए, ये मैंने मामा अर्थ का ये वाला ऑर्डर किया है, क्योंकि मामा अर्थ के लिए ऐसे तो और भी हैं, कीको ब्रांड का भी एक अच्छा आता है एंड और भी अवेलेबल है, मदर्स पर्श एंड आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बट मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा था कि मामा अर्थ है स्टार्टेड बच्चों के रेंज के लिए ही नहीं बल्कि एडल्ट्स के लिए भी, इनफैक्ट वो बहुत ही हार्मफुल केमिकल फ्री होते हैं, तो डेफिनेटली जब एडल्ट्स के लिए ही उन्होंने इतना सोचा है तो डेफिनेटली आई थिंक कि बेबी के लिए इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। होता है ना बच्चों के क्लोथ्स आप बहुत ही डैम्प हो जाते हैं कई बार, अभी बारिश का सीजन भी आने वाला है तो मतलब कई बार डिटर्जेंट भी उसमें छूट जाते हैं अच्छे से अगर वॉश नहीं हो पाता या कुछ, तो इसमें बैक्टीरिया नहीं होंगे इसलिए एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स भी है। फिर ये देखिए इसमें लिखा भी है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ये, मतलब क्लिनिकली टेस्टेड एंड अप्रूव्ड है ये। स्टिल मुझे मामा अर्थ पे बहुत ज्यादा बिलीव है एंड यस मामा अर्थ अगर आप ये देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरे बेबी के लिए भी कुछ मुझे गिफ्ट भेजें। आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ मामा अर्थ बिकॉज वो एक प्लांट भी ग्रो करते हैं आपके हर एक परचेज के अगेंस्ट में, सो आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ दिस ब्रांड। सेकेंड आता है एक जो नॉर्मल होता ही है ड्राई शीट, वो एक ड्राई शीट भी मुझे दे दिया था, तो अभी मैंने कोई भी ड्राई शीट और परचेज किया नहीं है बिकॉज आई थिंक कि इतना कुछ है मतलब इतना भी लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता है जब वो हॉस्पिटल जाते हैं। आई थिंक मेरे पास मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा मैंने अभी नहीं सोचा है इसको और कुछ परचेस करने के लिए। हाँ बेबी प्रोडक्ट्स की भी मैं बात करती हूँ, तो मैंने वो अभी आया नहीं है, आई ऑलरेडी ऑर्डर बेबी प्रोडक्ट जो है मैंने कीको का ऑर्डर किया है। सो मेरा आइडियोलॉजी क्या था कि आई डोंट नो कि हर एक बेबी का स्किन, जैसे बड़ों की स्किन अलग अलग होते हैं वैसे बेबीज की स्किन भी अलग अलग होते हैं, सो इट डिपेंड्स कि आपके बेबी का स्किन कैसा है, किसी का बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, किसी का नॉर्मल होता है, उसको जम जाता है, उसको सूट कर जाता है। मैंने इसलिए सोचा कि अभी पता नहीं उसको मेरे बेबी को भी सूट करेगा या नहीं, सो दैट्स वाई वॉट आई हैव ऑर्डर्ड इज एक तो वो जो सेट होता है कॉम्बोज में छोटे छोटे 100 ml एंड 50 ml के ही सारे होते हैं, बॉडी लोशन, शैम्पू, सोप एंड ऑयल या जो भी चीजें होती हैं, तो वो मैंने टैल्कम पाउडर भी होता है तो मैंने ऑर्डर किया है कीको का। आपको फर्स्ट क्राई में या अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं उसके प्रोडक्ट्स भी इफ यू आर गोइंग टू बी अ न्यू मॉम। एंड अगेन आता है जैसे बच्चों का बहुत ज़्यादा नेल का ग्रोथ हो जाता है, तो मैंने उनके नेल को कट करने के लिए सीजर ऑर्डर किया बिकॉज अगेन दैट फ्रेंड सजेस्टेड कि नेल कटर से काफ़ी बार लाइक हमें समझ में नहीं आता है उनकी स्किन कटने का डर होता है, बट दिस सीजर इसमें ना बहुत अच्छा सा एक कर्व है अगर मैं आपको बताऊँ तो। एनी विच वेज मुझे खोलना तो ये है ही, तो मैं आपके साथ ही क्यों ना इसको ओपन करूँ। सो फाइनली ये निकल गया है, ये इतना ही मुश्किल पैकिंग था। तो आप देख सकते हैं ये जो है इसमें छोटा सा ऐसे कर्व आपको दिख रहा होगा, राइट, ये जो है आपका ये इतना सा ऐसे कर्व है, तो ये बहुत ही अच्छे से आई गेस ये, और इसमें आप बिलीव करेंगे बिल्कुल भी शार्पनेस नहीं है, ये काफ़ी ब्लंट है। किड्स के भी ऐसे देखे होंगे जो सीजर्स मिलते हैं मार्केट पे, जो वो क्राफ्ट वर्क के लिए यूज़ होता है, वो सामने से ब्लंट होता है बट पेपर्स बहुत अच्छे से कट जाते हैं। सो मैंने भी ऐसे सोचा, दिमाग में लगाया कि ये
इतना ही पतला और प्लस इसमें ऐसे कैप भी दिया हुआ है, आप इसको ऐसे सेफ रख सकते हैं। शायद ये भी ब्लंट है और बेबीज के नेल्स जो होते हैं बहुत ही पतले और पेपर जैसे ही होते हैं, तो आई गेस दिस वुड बी द बेस्ट फॉर देयर नेल कटिंग। मैंने वेट वाइप्स ये जो है ये लिटल्स का मैंने ऑर्डर किया है, क्योंकि ये वेट वाइप्स जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बेबीज को क्लीन करने के लिए। एंड इसमें जैसे है, इसमें डाइपर चेंज के लिए, क्लीनिंग फेस, क्लीनिंग हैंड्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एंड ये भी क्लिनिकली मतलब अप्रूव्ड है, और इसमें विटामिन ई, एलोवेरा एंड जोजोबा ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इसका पैराबिन फ्री है, अल्कोहल फ्री है, क्लिनिकली टेस्टेड है, और इसका पीएच बैलेंस है वो भी मतलब टेस्ट करके ही दिया गया है, जो बेबी के स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा, हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं होगा। सो इसमें 80 वाइप्स मिलते हैं। सो मैंने ये ऑर्डर किया है, तो आप ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, और आप मुझे भी सजेस्ट कर सकते हैं इन सब के अलावा भी अगर कुछ लेना है जो इनिशियल डेज में हॉस्पिटल में मुझे बेबी के लिए यूज़ आएगा, तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए। एंड मैं आपको बैग दिखाती हूँ। ये एक बैग है जो मुझे बेबी शार में गिफ्ट में मिला था, एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। मैं इसी में से, मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें पैक की हुई थी और वो मैंने इसी में से निकाल के आपको दिखाया है। दिस इज़ वेरी गुड बैग, वेरी गुड। मतलब ये पीछे से टांगने वाला है, तो एनी टाइम सीजन टांग लेगा, मुझे नहीं टांगना पड़ेगा। और एक ये बैग है जो कि बहुत क्यूट है अगेन। सो ये भी मुझे बेबी शार में गिफ्ट में मिला था। गाइज, अगर आप भी किसी के बेबी शार में जाते हैं, हमें आइडिया नहीं रहता हम क्या चीज़ें दे सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें आप दे सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। सो थैंक यू जिन्होंने भी मुझे सजेशंस दिए हैं, ऐसे यूज़फुल गिफ्ट्स दिए हैं जो मुझे यूज़ आ रहे हैं अभी। एंड ऑल टाइम मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स मैं देख के आप लोगों को याद भी करती हूँ, एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जब मैं मदर का बैग पैक करूँगी। सो फॉर द टाइम बीइंग, बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत एक्साइटिंग और बहुत मज़ेदार होने वाला है। बाय बाय।